नमस्कार दोस्तों, मैं मोहम्मद मुहित, आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज़। यूपी 76 न्यूज़ की टीम आज मुख्यालय के चारों गेटों पर मौजूद हैं। चारों संवाददाता मुख्यालय के चारों गेटों पर मौजूद हैं और हम दिखाएंगे सबसे पहले आपको खबर मुख्यालय की, क्योंकि आज जो है नामांकन प्रक्रिया का अंतिम दिन है। सबसे पहले खबर देखने के लिए आप यूपी 76 न्यूज़ के साथ जुड़े रहें। जी, हमारे साथ निर्दलीय प्रत्याशी सदर विधानसभा से जी मौजूद हैं। आइए इनसे पूछते हैं, इनका नाम क्या है? क्या नाम है? अनीता जी, किन मुद्दों को आपने देखते हुए विधानसभा सदर से पर्चा दाखिल किया? डेवलपमेंट, विकास का मुद्दा है हमारा जी। और अगर आप यहाँ से जीतती हैं तो आपके क्या विकास कार्य होंगे, किन को कौन से कामों को आप आगे बढ़ाएंगे? अभी तो पहले जीतेंगे, पहले मेहनत करेंगे, चुनाव में जीतेंगे, उसके बाद विकास की चिंता नहीं कर रहे हैं, विकास करके दिखाएंगे। अच्छा, ठीक, शुक्रिया। जैसा कि नामांकन प्रक्रिया चल रही है और आज नामांकन की लास्ट डेट है, इसी प्रक्रिया में हम यहाँ आए हुए हैं और यहाँ पर पर्चा दाखिल करने कांग्रेस पार्टी से विधानसभा अमृतपुर से शुभम तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी भाई, किन मुद्दों पे आप आगे आ रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि मुझे यानी कि कांग्रेस पार्टी को अब बताने की जरूरत नहीं है कि कांग्रेस पार्टी किन मुद्दों पे आगे आ रही है। हमारी नेता आदरणीय प्रियंका जी ने जिस तरीके से इन 5 सालों में जो संघर्ष किया है, जो वर्तमान सरकार के खिलाफ उन्होंने महिलाओं को लेके, किसानों को लेके, बेरोजगारों को लेके जो आवाज उठाई है, कांग्रेस पार्टी का सीधा एक ही मुद्दा है कि किस तरीके से जनता के बीच में जनता की खुशहाली के लिए काम किया जाए, जनता के सुख दुख में किस तरीके से शरीक हुआ जाए, ये हमारा मेन उद्देश्य रहता है। आप देख रहे हैं आज की स्थिति में कि महिलाओं पर अत्याचार, एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात होती है, दूसरी तरफ जो है महिलाओं के अत्याचार की दर देखिए आप कितनी हो गई। तो हमारी नेता प्रियंका जी ने लगातार इन सब मुद्दों पे काम किया है और चाहे बेरोजगारी की बात हो, चाहे जो है युवाओं के जो है आप देखते हैं कि नौकरियों को लेकर इन सब बातें होती हैं, लाठी चार्ज होता है, ये सब चीजें ठीक नहीं है। तो इस अनैतिक माहौल के खिलाफ कांग्रेस पार्टी संघर्षरत रही है और यही सोचते हुए आज हम जैसे युवाओं को मौका जी। सर, आपके जो कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष विजय कटियार जी हैं, उन्होंने तो बसपा का दामन थाम लिया, इस पर क्या कहना? देखिए, इस पर मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ खास बोलने की जरूरत है, क्योंकि ये सबका अपनी एक सोच है, अपना एक मन है कि कौन व्यक्ति कौन सा स्टेप कब उठाए। रही होंगी कुछ बातें उनके दिल में, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि मैं इस पर कोई जवाब देने का वो नहीं रखता हूं, क्योंकि मेरी उनसे अब तक ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई कि क्या कारण रहा, क्या नाराजगी रही या क्या ऐसी बात है, वो तो वो ही बताएं, वो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक ठीक, धन्यवाद। सुन रही आप लोगों की 76 न्यूज के साथ, और हमारी खबर को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए मैं आपका दोस्त मोहम्मद मुहित, जय हिंद।